नागिन यहाँ पे रहते हैं, सावन में आते हैं और अभी भी आते हैं, तो डरते तो नहीं है, मतलब सब तो आस्था बढ़ती है तो उस चीज के लिए। मैं खेत में गई थी और मैं कितना डरी थी। हाँ फ्रेंड्स, आज की डेट में जो आज की स्टोरी है वो ये है कि 2022 में हम लोग मंदिर नहीं गए, और मंदिर जाने का मतलब ये है कि आप कुछ अच्छा काम करें और वो काम करें जिससे आप खुद अपने आप को, आपको खुद अच्छा लगना चाहिए, क्योंकि सिर्फ वो जो मुझे अच्छा लगे, मेरा दिल शांति से हो। अभी नागी क्या जरा सा मुंह में लग, आने वाले टाइम में व्लॉग्स भी होगा, मगर अभी कोरोना का टाइम चल रहा है तो बाहर घूमने जाने के लिए, जैसे मेरे मम्मी पापा के अभी यात्री वगैरह, अभी यात्रा उन्होंने बुक कर रखा था पिछले 4 महीने पहले, 10-12 दिन का था, मगर वो कैंसिल हो गया है। चेन्नई में लॉकडाउन शुरू हो गया, तो इस वजह से, तो कुल मिला के यह है कि अभी कोरोना के हिसाब से हमें अपने आप को सिचुएशन के हिसाब से बनाना पड़ेगा। और पहली बात यह है कि भाई जॉब करना और हॉबी, ये दोनों चीज़ें ना अलग अलग चीज़ हैं। हॉबी भी तभी हो सकता है जब लक्ष्मी माता हो। लक्ष्मी माता तो मिलेगी जॉब से, मंडे से लेके फ्राइडे तक हम काम करते रहते हैं ऑफिस का। सैटरडे से लेके संडे तक हम लोग को समय होता है, हॉबी भी कर सकते हैं, सो भी सकता हूँ, और बहुत सारी चीज़ें हैं, फैमिली की और बहुत सारी चीज़ें भी होती हैं, मगर उसके बाद भी आप टाइम निकालते हैं कि चीज़ों करने के लिए। ये बहुत बड़ी चीज़ है, हॉबी करना बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि खाली जॉब करते रहोगे ना तो फिर शमी वाला पेड़ है ये, आज को खुश करने के लिए ये शमी का जो पेड़ है। पहले प्रायोरिटीज़ मेरी जॉब ही होगी, और अगर मेरा धीरे धीरे टाइम में अगर कुछ मुझे लगेगा कि रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिल गया या कुछ लगेगा, तो डेफिनेटली फिर हॉबी के साथ आप जॉब मिल जाए, उससे अच्छा तो लाइफ में कुछ है ही नहीं। कोशिश करते हैं कि लाइक आने वाले टाइम में हम ऐसे ऐसे ब्लॉग करें जिससे कि फैमिली के साथ में हो। मेरी बेटी है गौरवी, इसके साथ मेरा ब्लॉग चलता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा मेरी हेल्प यही करती है। और मैं आपको ये देखिए, आप देख रहे हो ये कुआ है, ये कुआ देख रहे हो, पहली बार कुआ देख, तो ठीक है भाई लोग चलते हैं फिर अपने लोग। आज अपना व्लॉग क्लोज करते हैं यहीं पे ही, बहुत सारी चीज़ें दिखाई हैं आपको, अच्छी चीज़ें दिखाई हैं, आपको पसंद किया है, अच्छा लगा है, तो डेफिनेटली आप उसको लाइक करिए, शेयर करिए, और हम दोनों की मेहनत है पूरी, और वाइफ भी है साथ में, वाइफ भी साथ में है मगर वो पीछे रहती हैं, तो इसलिए ठीक है भाई, वाइफ के साथ भी व्लॉग बनाएंगे आने वाले टाइम में। फिलहाल अपना
आगे करते हैं कि कुछ आप लोग लाइक करते रहो यार, शेयर करते रहो भाई लोग, और अच्छी तरह से करते रहो जिससे कि हम आप भी सुनते रहो हमें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।